भाइयों ये है फोर्ड 3600। ये कौन सा मॉडल है जी? ये है जी 94 या 93 मॉडल है भाई। 94 मॉडल है। पिछले टायर नवे हैं बिल्कुल, अगले जो है रबर से। अगले तो रबड़ी का वैसे। पिछले ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन है, कोई पेंट वेंट नहीं इसमें। नहीं कोई नहीं, आज तक रिंग ग्रे ट्रैक्टर में बस। कोई भी वेल्ड सेल नहीं है देखो। ना वेल्ड सेल, पीछे थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी में है बस, बाकी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, खराब वेल्डिंग नहीं। ये अल्टरनेटर पर लगा खड़ा इस टाइम। अल्टरनेटर पे सही चलाऊं मैं जाता हूं। पीछे वगैरह बिल्कुल कंप्लीट है। इस पे क्या खर्चा आया अल्टरनेटर का? अल्टरनेटर पे जी दे रहा हूं लगभग 2.5-3 का एवरेज आ जाएगा। 2.5-3 लीटर खराब कुछ भी नहीं भाई, ये बहुत बढ़िया है। 10 एचपी की मोटर है वो। अब मैं हटाता नहीं, इसका काम पड़ा वो वहां काम करा रहा हूं। ट्रैक्टर है फोर्ड, तो उसमें करंट की जरूरत थी, पूरे दिन चला था। कहीं लीकेज नहीं कुछ नहीं भाई इसमें? ना जी लीकेज इसमें कहीं नाम को नहीं बिल्कुल। एक बार आवाज सुनवा दो इसकी। हाँ जी आवाज। हाँ आवाज गियर में से काट लियो। भाई ये बहुत शानदार आवाज है, इंजन में बिल्कुल दमक पूरा 100% बंद कर। क्या मांग रहे इसका देने वाली पास? भाई इसके जी 160 से कम का विचार। भाई 160 से कम नहीं देने के चोरी साहब, कई बार मैंने वीडियो बता लिया 160 से, क्योंकि मुंह से निकलता है कम नहीं देने के। कुछ भी कमी नहीं ट्रैक्टर में, अंदर कोई कमी नहीं, मैंने से बहुत वो कर रखा, मतलब रखने के हिसाब से कर रखा है। ये तो भाइयों दादा ले पोते बढ़ते वाली बात है, अपने खेत में काम करने का मतलब 10-15 साल तो किसी को कितना काम। ट्रैक्टर 7.5-8 लाख का आ रहे हैं नवे, इसी लेवल के। कहीं लाम को भी लीकेज नहीं ट्रैक्टर में? लीकेज नहीं बिल्कुल, देखो सबसे अच्छी बात है भाई। और खूब चलाया है, धोया हुआ नहीं, एक बार धोया खड़ा कोई सही कर रही। छतरी वतरी फिट है, ट्रैक्टर बिल्कुल कंप्लीट है इस टाइम। नहीं जी बिल्कुल ओके, हर जगह से कहीं भाई कितना 10 घंटे चला और बिल्कुल दबा के। गाजियाबाद का नंबर है जी? हाँ जी गाजियाबाद का नंबर है भाई। जिस भाई को पसंद हो जरूर संपर्क कर लेना। नमस्कार।